नमस्कार। आज हम पुनः उत्तर कदंत की प्रक्रिया प्रबोध में उपलब्ध होते हैं। मैंने पूर्व पाठों में जो प्रक्रिया के सामान्य अर्थ हैं उनकी विवेचना करते हुए प्रायः करके कर्तर्कृत और तयोरयोक्तिक्त खरर्थाः इत्यादि रूप से जो सामान्य सूत्र उपलब्ध हो रहे हैं, जो अर्थ निर्देश कर रहे हैं, उनके विषय में चर्चा किया है। लेकिन और भी ऐसे प्रत्यय हैं जो कृत प्रत्यय में समाविष्ट हैं और उनके इतने अर्थ हैं कि जिनके अर्थों को भी हमें सामान्य रूप से कम ध्यान देना ही चाहिए। वैसे यद्यपि बहुल ग्रहण किया है, लेकिन बहुल ग्रहण से हमें कामचार की प्राप्ति होती है, जहाँ कोई समस्या है और उसका कोई निदान नहीं मिल पा रहा है, तो अगतिक गति हम बाहुल का समाधान करते हैं। लेकिन जहाँ आचार्य ने स्पष्ट निर्देश किया है, इसलिए उसके अनुशासन का भी हमें स्मरण रखना ही चाहिए। ऐसी बुद्धि मान करके हम अग्रिम अनुशासन के अध्ययन पर प्रवृत्त होते हैं, जिसका एक सूत्र है पुंसी संज्ञायाम घः प्रायेण। ये आपका सूत्र है। तो अभी तक आपने पूर्व पाठों में देखा है स्त्रियामक्तिन इत्यादि देखा है, और यहाँ पर उसी अर्थ में पुंसी संज्ञायाम घः प्रायेण ऐसा विधान कर दिया आपने। तो पुल्लिंग में हो, संज्ञा की प्रतीति हो, और ऐसी अर्थ में हम घा प्रत्यय का विधान हम कर देते हैं। हमें यहाँ अर्थ का निर्देश नहीं है, ऐसी व्युत्पत्ति का अवलंबन हम करेंगे जिससे संज्ञात्व की प्रतीति आपको हो जाए। हमारा आग्रह संज्ञा अर्थ में है, इतना जरूर ध्यान देना है आपको। प्रायण का विशेषण, जो प्रायण ये पद आपका है, जो प्राचुर्य का बोधक है, इसका अभिप्राय है कि प्राय करके ऐसा होता है, अधिकांशतः ऐसा होता है, लेकिन नियम का जो है इसके प्रयोग करने से वारण हो जाता है। माने सार्वत्रिक है ऐसा हम अर्थ नहीं कर सकते हैं, प्राचुर्य में ही उसका विधान होता है। कहीं कहीं यदि उसका अभाव भी मिलता है तो क्षंतव्य है, शास्त्रानुमोदित है, ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं। बहुत से आचार, हाँ, लेकिन ये संग्रह है कि पुंस में और संज्ञा का ये होना अत्यंत आवश्यक है, ये विचार हम कर सकते हैं। बहुत से आचार इस प्रायण पद का अन्वय संज्ञायाम के साथ करते हैं। घा प्रत्यय होगा, कदाचित संज्ञा ना भी हो तब भी होगा, ऐसा हम व्याख्यान कहीं कहीं उपलब्ध करते हैं। परंतु ये व्यवस्था ठीक नहीं है। क्यों इसलिए ठीक नहीं है कि जितनी भी विधियां हैं वो सब प्रमुख पद के साथ ही, विधि के साथ ही जितने विशेषण हैं वो समन्वित हो जाते हैं। यहाँ पर पुंस भी आपका विशेषण है जो गौण है, संज्ञायाम में भी विशेषण है आपका, ये भी गौण ही है, विधि आपकी घा है। जिस प्रकार से सर्वे भिक्षुकाः राजानमेव याचन्ते न तु भिक्षुकाः भिक्षुकान्तरं सत्यस्मिन् अभिक्षुके, अगर कोई अभिक्षुक है तो उसी से मांगा जाता है। चार पांच भीख मांगने वाले लोग हैं तो राजा के पास ही भीख मांगने वाले जाएंगे, अगर राजा है तो, नहीं है तो आपस में व्यवहार करते हैं, अलग बात है। लेकिन आश्रय दाता के प्रति ही आश्रित व्यक्ति की आकांक्षा बनती है, नहीं उपाधिर उपाधिर भवती, ये भी एक नियम है। विशेषण से विशेषण नहीं होता, उपाधि से उपाधि नहीं होती, ये भी सामान्य नियम है। इसलिए चूंकि घा एक विधि प्रयोग है, विधि प्रयोजक पद है आपका, और वहीं पर पुंस भी विशेषण है, संज्ञा भी विशेषण है, इसलिए विशेषण का और प्रायण भी विशेषण है, तो विशेषण का संबंध विशेषण से नहीं हो सकता है, क्योंकि नहीं यहाँ पर कहा कि असंबंधा समत्वात्, विशेषण का विशेषण संबंध नहीं होगा, असंबंधा समत्वात् के दोनों समान हैं, और जहाँ भी आकांक्षा है वहाँ कुछ न्यूनाधिक भाव आपका होना चाहिए,
इस कारण से यहाँ पर हमने ये व्यवस्था दे दी। तो इसलिए जो प्रायण का अन्वय है, नई उपाधिर उपाधिर भवति, इसके बाद समत्वात, इस प्रकार की जो हमने तर्क के साथ जो विवेचना की है, उस विवेचना के साथ ये स्पष्ट रूप से प्राप्त करते हैं कि प्रायण जो ये विशेषण आपका है वो घा के साथ ही रहेगा, अर्थात अन्यथा अन्य अर्थ में भी भाव आदि में घय इत्यादि का भी विधान हम कर सकते हैं या लुट इत्यादि का भी विधान हम कर सकते हैं, जो जैसी भी उत्पत्ति है उसका विधान हम कर सकते हैं, लेकिन संज्ञात्व प्रतीति आपको होनी चाहिए, ये हमारा आग्रह है आपका। उदाहरण के लिए हम दंतक छदह ऐसा प्रयोग बनाते हैं, तो दंता छाद्यन्ते अनेन, जिससे दंत आवृत किए जाएं, छादित कर दिए जाएं, उसका नाम क्या है, दंतक छद। तो एक प्रकार के आवरण की एक संज्ञा है, तो इस कारण से यहाँ दंत पूर्वपदक छद धातु से घा प्रत्यय का विधान करेंगे, तुक करेंगे, स्तुत्वादि करेंगे, दंतक छदह ये आपका प्रयोग बन जाएगा, जिससे हम देख रहे हैं कि घा प्रत्यय का प्रयोग करके कितनी अपूर्व बात यहाँ पर आचार्य ने संज्ञात्व की प्रतीति कराई है, उसका भी एक अपना वो भाव में ही है, और लेकिन यहाँ करण अर्थ में प्रतीति करा रहे हैं, तो इससे भी एक नए अर्थ की प्रत्यापत्ति हमको हो रही है। पुनः सूत्र आपका है समान कर्तिकयो हो पूर्व काले, अर्थात कर्ता समान हो, तो समाना कर्ता ययो हो इति समान कर्तिकयो हो, तात्पर्य समान कर्तिक हैं, ऐसी माने जिन क्रियाओं का जो कर्ता है वो समान है, एक ही कर्ता, समान शब्द यहाँ एक का बोधक है, एक कर्ता है आपका, तो ऐसे स्थिति में पूर्वकालिक जो क्रिया है उस पूर्वकालिक क्रिया से इक्त्वा प्रत्यय का हम विधान करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए भुक्त्वा वर्जति ऐसा आपका प्रयोग है। तो दो क्रियाएं हैं, एक तो भुजिक क्रिया और दूसरा व्रजिक क्रिया, तो किम कृत्वा गच्छति, तो भुजिक भुक्त्वा वर्जति, तो पूर्वकालिक क्रिया है आपकी भुजिक क्रिया है, और उत्तरकालिक क्रिया क्या है कि व्रजनक क्रिया है, गमन क्रिया आपकी है, इसलिए यहाँ पर लेकिन दोनों का जो कर्ता है वो एक ही है, पूर्वम भुंगते पश्चात गच्छति, ये भी हम पूर्वकालिक क्रिया में उस अर्थ की स्पष्टता के लिए इस प्रकार के भी पदों का विवरण हम दे सकते हैं। इस कारण से भुज धातु है और उससे अक्त्वा प्रत्यय का विधान कर दिया, भुज अक्त्वा बन गया, जकार के स्थान पर कुत्व का विधान कर दिया, भुक्त्वा बन गया, और व्रजति का हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि कोई ना कोई उत्तरकालिक क्रिया हमें चाहिए, तो हमें आकांक्षा बनी रहेगी कि कौन सी क्रिया है, तो उस आकांक्षा की समाप्ति के लिए, पूर्णाहुति के लिए हमने व्रजति इस प्रकार का जो क्रियाबोधक पद है उसको हम रखते हैं। और एक कंडीशन बता रहे हैं, एक स्थिति और बता रहे हैं कि समासे अनई पूर्वयो अक्तो लेफ, अर्थात तात्पर्य यह है कि समास हो, नय पूर्वक न हो, और ऐसी स्थिति में अनय पूर्वक समास के हो जाने पर जो उक्त्वा प्रत्यय है उसके स्थान पर हम लेप का विधान हम कर देते हैं। तो जैसे प्रा है और प्रा पूर्वक क्रि धातु से यहाँ पर हमने उक्त्वा प्रत्यय का विधान किया, प्रकृत्य प्रकृत्य गच्छति इत्यादि का आप उत्तरकालिक जो क्रिया है उसका अध्ययन कर लीजिएगा, तो प्रा पूर्वक क्रि धातु है, उक्त्वा प्रत्यय का विधान किया, चूँकि गति है तो कुगति प्रादया से नित्य समास का विधान कर दिया, और नित्य समास कर दिया तो इस कारण से यहाँ पर जो अक्त्वा है उसके स्थान पर लेप का विधान कर देंगे, अनुबंध लोप कर देने के बाद ह्रस्वस्व प्रतिकृत तुक करके तुक का विधान कर देंगे, प्रकृत ऐसा आपका पद हो जाएगा। ये चूँकि अक्त्वा इत्यादि के स्थान पर है तो ये अक्त्वा तोषण कुसनो इत्यादि के नियम से ये अव्ययबोधक पद भी आपके मान ले जाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो प्रत्यय हैं आपके हैं, यद्यपि मैंने कुछ सामान्य चर्चा आपके सामने की है, फिर भी विशेष करके नमूल प्रत्यय के विधेय में हम विधान कर देते हैं। स्मारम स्मारम या स्मारम स्मारम है, ये जो द्वितीय पद है वहाँ भी आधा साही है, समारम न होकर कि स्मारम स्मारम ये है, नमति शिवम, तात्पर्य क्या है कि स्मृत्वा स्मृत्वा शिवम नमति, तो ये जो नमूल प्रत्यय है ये भी वैकल्पिक प्रत्यय है, क्योंकि ये पूर्वकालिक जो अक्त्वा प्रत्यय है उसी की चेष्टा में इस प्रत्यय का आविक्षण अर्थ जाने पर हम विधान कर देते हैं। उसका पर्यायवाचक शब्द आपका चाहेगा स्मारम स्मारम या तो स्मृत्वा स्मृत्वा ऐसा प्रयोग हम कर सकते हैं। कैसे बनता है थोड़ा सा इस पर विचार कर लेते हैं। स्मृ ऐसी धातु है चिंता अर्थ में, और उसमें नमूल प्रत्यय किया अम बज गया,
बुद्धि का विधान करके स्मारम ऐसा करेंगे, क्योंकि ये विपसा की प्रतीति है, अभिक्षण की प्रतीति है, और ये अभिक्षण क्रिया का पुनर् पुनर्जन्म ये अभिक्षण कहलाता है। इस कारण से यहाँ पर विपसा की प्रतीति का हो जाने के कारण यहाँ पर द्वित्व का विधान कर देंगे। और चूंकि ये उत्तरकालिक क्रिया हमको चाहिए तो नमति हमने रखा है, और नमति का कोई ना कोई हमें कर्म भी चाहिए, तो उसकी स्पष्ट प्रतीति के लिए शिवम इस प्रकार का जो कर्म बोधक पद है, कर्म संज्ञक पद है, इसका हमने विधान किया है। और फिर कर्मणि रहने पर आक्रोश अर्थ रहने पर हमने किया खमुई पत्ते का विधान किया है। चौरम कारम आक्रोशति, चौरम कृत्वा इत्यर्था आक्रोशति इत्यर्था, और भूव अर्थ से तुष्णीम भुआ इस प्रकार का भी हम प्रयोग करते हैं। ये ध्यान देना है कि अत्वापत्य नमूल पत्य दोनों का भी हम विधान करते हैं। जैसे तुष्णीम भूय ऐसा प्रयोग है, तुष्णीम आपका यव्य है, उसके साथ समास कर देने से समासे नहीं पूर्वोक्तो लेप, तो अत्व के स्थान पर लेप का विधान करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि भू धातु दीर्घांत है, इसलिए ह्रस्वस्वृत तुक करके तुक का विधान यहाँ पर नहीं होगा, तो इसलिए तुष्णीम भूय ऐसा प्रयोग बनेगा। और जिस अवस्था में हम इसके साथ वैकल्पिक व्यवस्था कर देंगे तो भूत्वा ऐसा ही आपका प्रयोग बनेगा, क्योंकि ये नमूल पत्ते करेंगे तो तुष्णीम भावम ऐसा आपका प्रयोग बन रहा है। तो इस तरह से तुष्णीम भावम के रूप को हम देख सकते हैं। तो मैंने भी नमूल पत्ते का सामान्यतः प्रयोग किया है, और भी जो पत्ते हैं वो विशेष करके इस कृत्य प्रक्रिया में उपलब्ध होते हैं। इस कृत्य प्रक्रिया में आपके साथ हम इतनी ही सामग्री उपस्थित कर रहे हैं जो सामान्य सामग्री के लिए अपेक्षित है, और इतना ही कह करके इस पाठ की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।